Yeah. Wow. Merry Christmas. आज अलग लग रहा है, क्रिसमस है और पतिदेव जी जो है वो छुट्टी पे है, तो मैंने कहा कुछ उनके पसंद का खाना बना लिया जाए। तो मैंने गाजर का हलवा बनाया जिसकी रेसिपी तो मैं सूट नहीं कर पाई, बट मैंने मंचूरियन स्टाइल में सब्जी बनाई है तो उसकी रेसिपी मैं थोड़ा बहुत शेयर कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने पत्ता गोभी जो है वो ग्रेट करके ले लिया, बीन्स को ग्रेट करके ले लिया, ऑनियन को ग्रेट करके ले लिया, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, गाजर को ग्रेट करके ले लिया, सबको सारी हरी सब्जी को मैंने ग्रेट करके अच्छे से एक बाउल में ले लिया, बाउल में ले करके और इसमें दो हरी मिर्च जो है मैंने छोटे छोटे पतले पतले काट लिए वो डाल दिया, इसमें दो चम्मच कॉर्नफ्लावर, दो चम्मच मैदा और दो चम्मच जो है इसमें चावल का आटा ये मैंने डाला है, और स्वाद के अनुसार जो है नमक डालना है, नमक थोड़ा कम ही डालें तो बेहतर है। तो बस इन सा और अदरक लहसुन का पेस्ट इन सारे चीज़ों को डाल करके बहुत अच्छे से जो है वो मिला लेना है, इसके बॉल्स बनेंगे। तो देखिए मैंने ऐसे करके इसको बहुत अच्छे से जो है हाथ से मिला लिया सब कुछ दे करके। इधर मैंने रिफाइंड ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था तो वो गर्म हो चुकी है, और मैं एक एक करके गर्म करते करते मीडियम आँच पे उसमें जो है कढ़ाई में बॉल्स मंचूरियन के बना बना के डालते जा रही हूँ। इसको जो है ब्राउन करने होने तक जो है हमें पकाना है, तो बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं करना, मीडियम आँच पे पकाना है, अंदर से जो है ये थोड़े गुलगुले रहे तो ज़्यादा अच्छा है और ऊपर से क्रिस्पी पक जाने चाहिए। तो बस हो गए, देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है, ब्राउन कलर का निकाल लिया। और जब तक मेरे वो मंचूरियन बन रहे थे तब तक उन्हें जो है था प्लेट में बॉल्स बना के रख लिए। उसके बाद थोड़े से पनीर थे, उस पनीर को भी मैं सोच रही हूँ मंचूरियन में ही डाल दूँ, तो बस पनीर के सभी स्लाइसेस काट करके उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल के उसको भी मैंने उसी तेल में जो है छान लिया। वैसे इस टाइप से इसके पकौड़े भी बहुत टेस्टी लगते हैं पनीर के, बट ये मैंने मंचूरियन में डालने के लिए बनाया है, ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाना है पराठे के साथ खाने के लिए। तो बस इसको जो है मैं सेम प्रोसेस में जो है छान लूँगी थोड़े ब्राउन होने तक। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इसका, एकदम देखिए क्रिस्पी भी लग रहा है, और कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से इसका साइज़ भी जो है हल्का से थोड़ा बड़ा हो गया है। तो बस देखिए मंचूरियन बॉल्स और पनीर जो है क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी है। अब जो है हम इनकी तरी बना लेते हैं। तो जिस कढ़ाई में जो है हम लोगों ने की बॉल्स बना उसी कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देना है, उसको गर्म करने के लिए छोड़ देना है। उसे गर्म होने हो जाने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, जीरा इसमें नहीं डलेगा, बस अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और उसको थोड़ी देर पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, बस उसका कच्चापन है वो मर जाए इतना ही पकाना है। और उसके बाद जो है डायमंड शेप में जो है मैंने एक प्याज को काटा है, एक प्याज को बाहर हिस्सों में काट लीजिए और उसके अलग अलग कली को छुड़ा लीजिए। उसके बाद पत्ता गोभी को भी डायमंड शेप में काटना है, और गाजर है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च, बीन, हरी मटर, उसमें मैंने मटर भी डाला है, मैंने पहले ही बताया था ये जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो मंचूरियन स्टाइल में है, अदरवाइज अगर प्रॉपर मंचूरियन की रेसिपी चाहिए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने बनाया है, तो मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ ही। तो बस इसको जो है स्वाद के अनुसार हल्का नमक डाल करके तो 50% पकाना है पूरा, नहीं 50% देखिए गल चुकी है। अब इसमें जो है दो चम्मच के अराउंड मैंने टमाटो केचप डाला, फिर वही दो चम्मच के अराउंड मैंने एक ग्रीन सॉस डाला, और दो चम्मच के अराउंड में ही मैंने सोया सॉस डाला, और एक डेढ़ चम्मच जो है सेजवान चटनी मैंने डाल दी। बस क्योंकि दो लोगों का है तो अंदाज़ा रहता है कि कितना क्या डालना है, और मैं बनाते ही रहती हूँ ये सब चीज़ें तो अंदाज़ा है, तो इस वजह से मैंने जो है ऐसे ही डाल दिया। बस आप सबको बहुत अच्छे से भून लेना है। अब जो इसकी स्मेल जो है बिल्कुल आने लग गई है, मंचूरियन वाली मेन तो इसमें सॉस ही है। तो देखिए कितने अच्छे से पक रही है सब कुछ,
बहुत सारी पक चुकी है। अब एक कटोरी लेंगे हम और उसमें से एक जो है नाप के मैं पानी डालूंगी, दो बड़े कटोरी से मैंने दो कटोरी जिस बाउल में मैंने बॉल्स बनाए थे उसी से मैंने दो बाउल जो है पानी डाल दिया। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी जो है थोड़ा सा पतला चाहिए था क्योंकि लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई थी। और एक कटोरी में मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया और उसको पानी डाल के बहुत अच्छे से मिला लिया और उसको भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। अब इसको पकने देते हैं आराम से, पहले से पक चुकी है। अब इसमें जो है मैं पनीर डाल दूँगी और मंचूरियन बॉल्स जो थे वो भी डाल देने हैं। बस इसको जितना आप ग्रेवी रखना चाहते हो उस हिसाब से रख करके बनके रेडी है। तो देखिए कितने मतलब अंदर से एकदम जूसी लग रहे हैं देख करके बॉल्स से मंचूरियन के। तो और ग्रेवी जो है मैं थोड़ा सा पतला चाहती थी तो वैसा ही मैंने बनाया तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। टेस्ट कीजिए। ठंडी में ये धूप देख करके ना आप लोगों को भी पक्का अच्छा लग रहा होगा। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिथिला ब्लॉगर। जा माई को भी पता चल गया मैं क्या बोलती हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे हैं। आज बहुत देर के बाद बहुत अच्छी धूप निकली है तो मैंने सोचा ये मौका ना हम लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और मैं जल्दी से नहा धो करके छत पे आ गई और कपड़े भी डालने थे तो कपड़े डाल लिए। अब मैं जो है धूप लगा रही हूँ मैं और दोनों मेरे नन्हे मुन्ने मंकी के साथ जो कि अभी बदमाशी कर रहे हैं। धूप में लोगों को अच्छा लग रहा है, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है और बहुत मन था फ्रेश भी लग रहा है। बाप रे, नीचे रहते रहते और मतलब अंदर रहते रहते ना मन तंग हो गया था बट अच्छा लग रहा है। पतिदेव जो है कुछ काम से बाहर गए हैं, तब तक हम लोग उस छत पे जो है मैं कपड़ा डालने के लिए आई थी और क्योंकि बहुत अच्छी धूप है तो बस हम तीनों लोग धूप भी लगा रहे हैं। और करो, तुम भी करो। कितनी अजीब बात है ना, सबसे ज़्यादा धूप यानी कि विटामिन डी जो है हमारे एक इंडिया में ही अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो भी विटामिन डी के वो इंडिया में ही पाए जाते हैं। हमारे पास नेचुरल विटामिन डी यानी कि धूप हमारे इंडिया में है इतना ज़्यादा, फिर भी हम उसको छोड़ करके विटामिन डी की गोलियां या पाउच खरीद करके खाते हैं जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें ठंडी में कम से कम 1 से 1.5 घंटा धूप लगाना चाहिए अगर धूप निकलती है तो, और गर्मी में जो है 15 से 20 मिनट सुबह के धूप लगा लें उतना काफ़ी है। और ये विटामिन डी की कमी कभी किसी को होगी ही नहीं, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी सबकी हमारे इंडिया से। तो ये खासा ख्याल रखें हम लोग तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे अभी तक कुछ प्लान बना नहीं है क्रिसमस का, वैसे क्रिसमस हम लोगों में तो नहीं होता है बट क्योंकि अब ये ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है, मॉल्स वगैरह सब बहुत सुंदर सजे रहते हैं और पतिदेव जी भी छुट्टी में है तो सोच रहे हैं कहीं घूम फिर आए, बच्चे भी घुमा लाएँ तो देखते हैं। बाहर तो अपना मतलब क्रिसमस वाला ड्रेस सेंटा का ड्रेस पहन के मॉर्निंग से ही वो रेडी है तो अब शाम का कहीं प्लान करते हैं, शाम में निकलते हैं देखते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। प्लीज़ वीडियो को वॉच कीजिएगा, तब तक मैं जो है बच्चों के साथ मस्ती कर रही हूँ, बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं धूप में और इनके आने का वेट कर रहे हैं। हम लोग फिर चलेंगे मॉल। उतर जाओ। इवनिंग टाइम पे क्रिसमस के सब लोग रेड 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 कलर का पहन के पहुंच गए मॉल और मॉल में तो माँ ही इतनी खुश थी, पार्थ इतना खुश था, दोनों खास करके गाड़ी को देख करके तो मतलब पता नहीं इन लोगों का मतलब कहाँ से गाड़ी से उतरते ही माँ ही उछलने लगे और डांस करने लगी वहीं पे। गाना इतना सुंदर जिंगल बैल वाला बज रहा था तो बस वहीं डांस करने लगी और उसके बाद ये लोगों ने ड्राइविंग की जब तक ये लोग नीचे थे, पतिदेव इनके साथ थे और मैंने सोचा चलो तब तक ऊपर घूम लिया जाए। तो जब तक पार्थ और माही जो है नीचे खेल रहे हैं तब तक मैं और मेरी जो एक फ्रेंड थे हम लोग दोनों साथ ऊपर जा कर के जो है कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं या देख लेते हैं कि मॉल में क्या क्या कुछ नया है। बहुत अच्छा, बहुत मज़ा भी आ रहा था, बहुत अच्छा डेकोरेशन हो भी रखा था मॉल का तो बहुत मज़ा आ रहा था।
देखिए तो हुआ। तक हम लोग घूम रहे थे तब तक ये तीनों भी ऊपर आ गए हम लोग के साथ। 10 मिनट के अंदर हीरा आने क्या आगे मेरी बेटी कर लेती, जैसे ही गाना सुनती है सब जगह उसका डांस निकल जाता है। इसका डांस बहुत क्यूट है, क्यूटेस्ट। वो जो मेरी फ्रेंड थी वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई घर और हम लोग ऊपर आ गए खाना खाने के लिए। खाना वे भी तो एकदम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट पे ले गए ये, और बहुत अच्छे से खाना खिलाया एकदम। माही तो बैठ करके ना उसको इतना मज़ा आ रहा था पेस्ट्री वगैरह खाने में, उसका तो मीठा फेवरेट है ही, बहुत ज़्यादा खा रही थी, बहुत टेस्टी लग रहा था उसको। और हम लोगों को भी खाना बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया खाना, वाकई में था भी बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी जगह भी थी तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इन शॉर्ट कि हमारा डे जो था एकदम फैंटास्टिक गया, बहुत मज़ा आया। मतलब पतिदेव अगर छुट्टी पे थे तो वो चीज़ सफल हुआ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था क्या खाऊँ क्या नहीं, पेट मतलब स्टार्टर खाने में फुल हो चुका था, बट बहुत मज़ा आया। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। Thank you.